नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पंचशीर के शेर को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और पंचशीर के शेर के सही सलामत होने की खबर भी सामने निकल के आई है। तो दोस्तों, जो अमरेला साले तालिबानियों को डायरेक्ट धमकी दिया करता था कि पंचशीर घाटी से तालिबानियों को खदेड़ देंगे, परंतु दोगले पाकिस्तान की मदद से तालिबानियों ने धोखे से पंचशीर घाटी पर कब्जा कर लिया और आज अमरेला साले और अहमद मसूद जैसे पंचशीर के कई सारे शेर पंचशीर की पहाड़ियों में छुपने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो पंचशीर का शेर जिसके आने की खबर सुनकर तालिबानियों में भगदड़ मच जाया करती थी, आज उसने अपना दुख पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पंचशीर घाटी में हो रहे भीषण युद्ध के दौरान तालिबानियों ने धोखे से अमरुल्ला साले के जो भाई हैं रोहुल्ला साले, उनको पकड़ लिया और उनको कई सारी यातनाएं दी, जिसके फलस्वरूप कुछ दिनों के पश्चात रोहुल्ला साले मातृभूमि पर बलिदान हो गए, जिसका दुख आज अमरुल्ला साले ने दुनिया भर के सामने जाहिर किया है और पंचशीर का यह बब्बर शेर फूट फूट कर दुनिया भर के सामने रोया है। परंतु कई सारे तालिबान के चाहने वालों ने ऐसी भ्रामक अफवाहें फैला दी हैं कि पंचशीर का यह शेर जो तालिबानियों ने अमरुल्ला साले के घर से पैसे और सोना लिया था, उसके लिए रो रहा है। परंतु दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अमरुल्ला साले को अपने भाई के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, जिसको दुनिया भर के सामने अमरुल्ला साले ने रखा है और इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि अमरुल्ला साले सही सलामत हैं और पंचशीर पर किसी गुप्त ठिकाने पर छुपी हुई हैं और तालिबानी लगातार अमरुल्ला साले और अहमद मसूद के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि उनको ढूंढकर बंदी बना लिया जाए। परंतु दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अमरुल्ला साले कभी तालिबानियों की पकड़ में ना आए और जहां पर भी पंचशीर के शेर रहें, सही सलामत रहें और कुशल से रहें। जय हिंद।